जी, अशोक सिंह जी और प्राचार्य हैं डॉक्टर गौतम भारती जी, उनसे कुछ विशेष रूप से इस कॉलेज और बच्चों के बारे में हम कुछ विशेष रूप से जानेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार और मेरे इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके वहाँ जो नर्सिंग AYTI का है कॉलेज, इसके बारे में कुछ परिचय दीजिए। जी, हमारे यहाँ जो है सिसोदिया प्राइवेट ITI बेला पिपराइच, जो भारत सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त है, गत 6 वर्षों से संचालित है। सिसोदिया नर्सिंग एवं पैरामेडिकल का कोर्स भी 15 कोर्सेज में चलता है, जो एक रोजगार परक कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से संचालित हो रहा है। अच्छा सर, इतने शांत माहौल में स्कूल बनवाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, और ग्रामीण के बच्चे जो रोजगार है इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे यही कहना है कि चूंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ, शिक्षा दीक्षा भी मेरी ग्रामीण परिवेश में हुई है, मैंने अनुभव किया है कि शिक्षा के लिए शांत माहौल बहुत ही उपयोगी होता है। जहाँ किसी शोर से बच्चे दूर रहते हैं और सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, इसीलिए हमने कॉलेज का निर्माण जो है ऐसे बिल्कुल हरियाली एवं शांत माहौल में ही निर्माण कराया, जिसमें विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत। आज कुछ कंपनियां सर आई थी, कुछ बच्चों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आज जो है ITI के लिए बडवे इंजीनियरिंग कॉलेज, बडवे इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड भिवानी राजस्थान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी जो है आई थी, जिसमें हमारे यहाँ से लगभग 25 बच्चों का चयन जो है बडवे इंजीनियरिंग कॉलेज भिवानी के लिए हो गया। अच्छा सर, एक मिनट। इसके अतिरिक्त नर्सिंग में गोरखपुर से कुछ हॉस्पिटल्स आए थे, प्राविडेंस हॉस्पिटल, पैरामाउंट हॉस्पिटल, जिसमें 17 बच्चियों का चयन जो है प्रशिक्षण के लिए हुआ और 100% बच्चों का सफल रूप से प्लेसमेंट हो गया। अच्छा सर, इसमें क्या क्या विषय है, क्या क्या जानकारियाँ, कुछ विशेष रूप से और गरीबों के बच्चों के लिए क्या विशेष रूप से सुविधा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, हमारे यहाँ गरीब बच्चों के लिए विशेष सुविधाएँ हैं। गरीब बच्चों को गवर्नमेंट की ओर से तो जो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिलती ही है, यदि वो फीस के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें हमारे यहाँ पुस्तकालय से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उनको फीस में भी विशेष सुविधा अलग से छूट दी जाती है, एवं यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएँ जो है संचालित कर उनको अध्ययन में प्रोत्साहन दिया जाता है। अच्छा, एक ITI के विषय है, इनसे भी हम कुछ विशेष रूप से बातें जानेंगे। सर आइए सर, ये आपका वहाँ क्या क्या ट्रेड है सर, के स्कूल में क्या क्या ट्रेड है, क्या क्या पूरी व्यवस्था है पढ़ाने की, बच्चों को कौन कौन सा ट्रेड ज़्यादा रुचि है, अब किस क्लास के बच्चों ने ज़्यादा इसमें प्रतिभाग लिया है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन या ITI, किस लोगों में ज़्यादा सिलेक्शन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम सिसोदिया प्राइवेट ITI के प्रिंसिपल हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर 2 ट्रेड हैं। हमारा नाम राम प्रवेश सिंह है जी, और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर दोनों ही ट्रेडों के बच्चे भाग लिए हैं और दोनों का ही 25-26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पे यही दो ट्रेड चलते हैं। अच्छा, एक हमारे प्रचार सर हैं डॉक्टर गौतम कुमार भारती, इनके बारे में मैंने बहुत सुना भी, आइए इनसे भी कुछ विशेष रूप से कुछ बातें जाएंगे। सर, क्या आपके वहाँ क्या बच्चों के लिए क्या सुविधा है, क्लास क्या है, शिक्षकों की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पठन पाठन के लिए हमारे कॉलेज में अच्छी व्यवस्था है, चूँकि ग्रामीण अंचल का कॉलेज है, यहाँ बच्चों के लिए विशेष क्लास की सुविधा भी दी जाती है और सभी विषयों के प्राध्यापक यहाँ मौजूद हैं, सभी विषयों का रेगुलर यहाँ क्लास चलता है, और मैं बार बार दौरा करता रहता हूँ कि किसी का कोई क्लास बच्चे का मिस ना हो, इस वजह से मैं अध्यापकों पर बहुत मतलब पढ़ाई को लेकर सक्षम हूँ और मैं उनको भेजते रहता हूँ कि आप लोग अपना समय से घंटी अलर्ट है उसके हिसाब से आप लोग क्लास लीजिए, ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य हो सके। अच्छा सर, ये जो वाहन दिख रहे हैं, क्या बच्चों के लिए आने जाने के लिए ये वाहन है या अदर किस चीज़ के, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी, ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, कुछ लोग अपने साइकिल से स्वयं आ जाते हैं, और जो वाहन हमारे कैंपस में पड़े हुए हैं जो अतिरिक्त यहाँ पाठ्यक्रम है उनके लिए वाहन है, उससे अपने बच्चे को सुविधा दी जाती है, बच्चे आते जाते हैं।
एक बहुत शांत माहौल में स्कूल बनाया गया जो कि बहुत ही अच्छा महाविद्यालय है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा एक बार पूरे स्कूल का ही ये पूरा एक बार दिखा दें, बस दिखा बंद कर दें। धन्यवाद।